यस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीवन टू योर 5 एम कैश फ्लो मास्ट्री एंड माय डियर फ्रेंड द टॉपिक फॉर टुडे इज मोर देन वन बैंक अकाउंट्स कैन बैंक रिफ्यूज टू ओपन क्या मतलब हुआ कि क्या बैंक आपको मना कर सकता है कि आप एक से ज्यादा अकाउंट नहीं खुलवा सकते ये क्वेश्चन क्यों आया आज डिस्कस कर लेते हैं लाइव फ्रॉम यूएसए यस पहुंच गया हूं मैं अब अमेरिका दस दिन के लिए और बड़ी अच्छी अच्छी खबर भेजने वाला हूं मैं आपको यहां से और बहुत ही मजा आ रहा है अभी पहुंचा हूं और अब आते ही हमारा शुरू हो गया है फाइव एम कैश लो मास्टरी तो सिक्स थर्टी पी है शाम के यहां पर और फाइव एम तो चलेगा तो इंडिया ही रूल तो इंडिया ही करेगा हर जगह पर ठीक है तो इंडिया के फाइव एम के हिसाब से सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन ये आया मेरे पास कैश फ्लो कम्युनिटी के अंदर कि बैंक मना कर रहा है कि आपका जो एक और अकाउंट चल रहा है किसी दूसरे बैंक के अंदर बंद कर दो उसको मैंने कहा क्या बात हो गई ये बात तो बहुत पुरानी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई थी 2020 के अंदर जिससे पूरा तूफान मच गया था बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर तो बैंक्स ने तो लेटर भेजने शुरू कर दिए थे कि अगर जिस किसी का भी करंट अकाउंट खुला हुआ है ना तो उसके अकाउंट या तो बैंक अपने आप ही बंद कर रहा था या लेटर भेज रहा था प्रोवाइडेड कि उसकी किसी एक बैंक में कोई सीसी लिमिट चल रही थी लेकिन उसके बाद 2021 के अंदर गाइडलाइंस आई फिर 2022 के अंदर गाइडलाइंस आई तो इसके बाद ऐसा नहीं है आप एक से ज्यादा बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो नहीं समझ आया प्रॉब्लम को खुल के बताता हूं पहली बात क्या एक ही बैंक अकाउंट से बिजनेस करना है या एक से ज्यादा बैंक अकाउंट आपके बिजनेस के होने चाहिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम चार बैंक अकाउंट तो आपके होने ही चाहिए क्यों एक इनफ्लो अकाउंट जिसके अंदर सारा पैसा आएगा एक कैश रिजर्व अकाउंट जहां पर आप ट्रांसफर करेंगे सैलरी इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन और एक सप्लायर को पेमेंट करने के लिए, लिए। यह है फोर बैंकिंग अकाउंट सिस्टम लेकिन बैंक्स कई बार मना करते हैं तो इसके ऊपर कानून की स्थिति क्या है वो जरा आज खुल के बता दो पहले कानून की स्थिति समझ लेते हैं उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको बहुत ही शानदार तरीके से यूटिलाइज कैसे करना है ओके देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उसका सर्कुलर है जो लेटेस्ट सर्कुलर 2022 तक है उसके बाद भी कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन आती रहती हैं देखो पहले 2020 में आया था और फिर दो में उसको फर्दर क्लैरिफाई किया था और 2022 आते आते तो पूरी की पूरी बातें क्लैरिफाई कर दी हैं कि ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट फॉर बोरर अवेलिंग कैश के एंड लिमिटेड बैंकिंग सिस्टम में क्या होगा अगर नहीं अवेल कर रहे हो तो क्या होगा ओवर फैसिलिटी में क्या करेंगे किसको एग्जम्शंस हैं तो क्या ये बातें हैं ये काफ़ी डिटेल के अंदर है कि अगर पाँच करोड़ तक का आपने कोई एक्सपोजर बैंक से लिया है तो क्या होगा पांच करोड़ से लेके पचास करोड़ तक का लिया है तो क्या होगा अगर पचास करोड़ से ज्यादा है तो क्या होगा ये सारी बातें स्पष्ट कर दी गई हैं कहाँ इस गाइडलाइंस के अंदर तो सिंपल भाषा में बात कर लेते हैं कि अगर आपकी लिमिट पांच करोड़ से नीचे है तो कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं करती आपका एच में भी अकाउंट हो सकता है एस में भी हो सकता है किसी भी बैंक में हो सकता है आपकी मर्जी के हिसाब से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो क्वेश्चन क्या है तो क्या बैंक रिफ्यूज कर सकता है बिल्कुल रिफ्यूज नहीं कर सकता। जब आपकी लिमिट पांच करोड़ से नीचे है तो रिफ्यूज कर ही नहीं सकता तो आप कह रहे हो कि जगमन ये झगड़ा था क्या ये बात शुरू कहाँ से हुई थी देखो बात यहाँ से शुरू हुई थी कि एक बैंक से किसी ने लिमिट ले ली दो करोड़ रुपए की लिमिट ले ली और किसी दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर करंट अकाउंट खोला हुआ है इस लिमिट के पैसे को निकाला और दूसरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया और डाइवर्जन ऑफ फंड कर दिया अब इस बैंक की तो कोई कंट्रोलिंग रही नहीं कोई कंट्रोलिंग ना रही क्योंकि बैंक तो अपने ही अकाउंट्स के ऊपर कंट्रोल कर सकता है ना दूसरे पे कैसे करेगा वो निकल गया और ये वाला अकाउंट किसी वजह से एनपीए हो गया फिर रिकवरी की प्रोसीजर हो गया उस भाई साहब ने अपने आप को बैंक करप्ट कर दिया उस बिजनेस के अंदर तो कोई रिकवरी नहीं हो रही जबकि ये पैसे वहाँ पर डाइवर्ट कर चुका था और वहाँ से फिर जो यूटिलाइजेशन हो गई तो बैंक ने कहा ये तो लोग बड़ी गड़बड़ियाँ कर रहे हैं कि एक ही समय के अंदर ना कितने ही बैंक्स के अंदर अकाउंट खुलवा लेते हैं कहीं से लिमिट ले लेते हैं कहीं से मनी का मैन्यूपलेशन करते हैं और ना जाने कितनी अपनी सब्सिडरी ब्रांचेस और जाने क्या क्या करते हैं तो आर ने कहा कि नहीं बहुत हो गया अब इसके ऊपर कोई गाइडलाइंस लाने की ज़रूरत है तो दो के अंदर उन्होंने बोला था कि जब ये ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया था तो उन्होंने कहा ना अब जिस बैंक से आपने लिमिट ले रखी है ना सिर्फ वहीं पर ही आपको बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और वहीं पर ही सारे अकाउंट होंगे बाकी सारे बंद सो दैट कि ये रिस्क कम हो सके एक रिस्क को बचाने के चक्कर में जब आरबीआई ये सर्कुलर लेकर आ गई तो ये समस्या का सोल्यूशन उससे बड़ी समस्या बन गया क्योंकि छोटे 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 कितने ही अकाउंट खुले हुए थे फॉर एग्जाम्पल किसी ने पांच लाख की एफ के अगेंस्ट में चार लाख रुपए की लिमिट ली हुई थी किसी बैंक से किसी वजह से उस बिजनेस ने लेकिन उसका जो मेन करंट अकाउंट था वो एसबीआई में चल रहा था वहां करोड़ों की ट्रांजैक्शंस हो रही है अब क्या करें फंस गए इस छोटी सी लिमिट के चक्कर के अंदर क्या वो मेन बैंक अकाउंट बंद करना पड़ेगा अगर वो बंद करना पड़ेगा तो बिजनेस ही रिस्ट्रिक्शन के ऊपर आ जाएगा तो बाढ़ आ गई बाढ़ आ गई पूरे हिंदुस्तान से कंप्लेंट की रिक्वेस्ट की सर ये क्या कर दिया आपने ऐसा करने की वजह से हमारे सारे के सारे बिजनेस ही ठप होने शुरू हो गए हैं तो आर बी ने कहा कोई बात नहीं एक काम करते हैं अभी के लिए इसको रिलैक्स करते हैं तो अगर किसी की पाँच करोड़ तक की लिमिट है ना तो ये कोई गाइडलाइंस आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है तो हो गई छुट्टी काम आसान हो गया अब अगर आप एस बी आई में अकाउंट खोला है तो एच डी एफ सी आई सी आई यस बैंक किसी के अंदर भी करंट अकाउंट खोलो चाहे सी सी अकाउंट खोलो कोई दिक्कत ही नहीं है कोई गाइडलाइंस का चक्कर आता ही नहीं है अच्छा अगर पांच करोड़ से ऊपर का एक्सपोजर भी है ना तो क्या है तो यहां पर ये है कि करोड़ से लेकर पचास करोड़ तक बैंक अपनी समझ का इस्तेमाल कर सकता है वो आपको अलाउ कर सकता है बैंक आपको अलाउ कर सकता है कि किसी और बैंक में भी आपका अकाउंट हो सकता है प्राइमरली जो होना चाहिए ना आपका बिजनेस जिसमें दस परसेंट या उससे ज्यादा का एक्सपोजर है तो वो बैंक की सारी की सारी पावर है वो डिसाइड करेगा कि आपके दूसरे बैंकों के अंदर अकाउंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते वो अपने सेंक्शन लेटर के अंदर इस बात को मेंशन करके बोलेगा और हाँ वो ये अलाउ कर देता है बैंक आपका कि कोई बात नहीं आप दूसरे बैंक्स के अंदर जो है अकाउंट खुलवा सकते हो लेकिन उसका नाम करंट अकाउंट भी नहीं होगा उसका अगर नाम सीसी अकाउंट -सी भी नहीं होगा उसका नाम होगा कलेक्शन अकाउंट अब ये कलेक्शन अकाउंट क्या होता है देखिए कई बार क्या होता है कि जो एक बैंक है उसकी रीच पूरे इंडिया में नहीं हो सकती और आपको स्ट्रैटेजिक वर्किंग की वजह से दूसरे बैंकों के अंदर भी पैसे रिसीव करने के लिए अकाउंट खुलवाने पड़ जा पड़ जाते हैं तो उसको कलेक्शन अकाउंट बोलते हैं कलेक्शन अकाउंट की खासियत यह है कि जो भी कस्टमर से पैसा कलेक्शन अकाउंट के अंदर आएगा तो वो पैसा आपके मेन अकाउंट के अंदर दो दिन के अंदर अंदर ट्रांसफर हो जाना चाहिए यानी कि लिमिट अगर पांच करोड़ से ऊपर की है से पचास करोड़ तक की है तो बैंक की डिस्क्रिप्शन पचास करोड़ से ऊपर की आपकी लिमिट है तो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं चल रही उस केस में एक ही बैंक के अंदर अकाउंट होगा पचास करोड़ से ऊपर का एक्सपोजर है तो एक ही बैंक के अंदर एक ही बैंक के अंदर अकाउंट नहीं अकाउंट्स एक से ज्यादा अकाउंट्स हो सकते हैं एक बैंक के अंदर भी दूसरे बैंकों में नहीं होंगे सिंपल हो गया पांच करोड़ तक कोई चक्कर ही नहीं है पांच करोड़ से पचास करोड़ रुपए तक बैंक की मर्जी पचास करोड़ से ऊपर तो एक सिंगल बैंकिंग के हिसाब से बैंक आपको अपना सेंक्शन लेटर इशू करेगा पचास करोड़ से ऊपर के अंदर बाकी बैंकों के अंदर कलेक्शन अकाउंट फिर भी हो सकते हैं और वो पैसा फिर अल्टीमेटली आपके एक बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा तो अब वो जो आपका सेम बैंक अकाउंट है मान लो एच बैंक है तो क्या एच बैंक मेरे चार अकाउंट खोल सकता है आंसर इज यस आपको एच बैंक को बताना है कि मेरे चार प्रॉफिट सेंटर है एक मेरा होलसेल का बिजनेस है तो एक मेरा रिटेल का बिजनेस है मैं एक्सपोर्ट करता हूं ये भी प्रॉफिट सेंटर है मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ ट्रेडिंग करता हूँ ये भी प्रॉफिट सेंटर है मेरा हेड ऑफिस है ब्रांच ऑफिस है ये भी प्रॉफिट सेंटर है इसका मतलब है कि आपको अपने बिजनेस के हिसाब से रिजोल्यूशन पास करके बैंक को सिर्फ इतना बताना है कि आपका प्रॉफिट सेंटर किस तरीके से ऑपरेट करता है तो सेम बैंक भी चार अकाउंट खोल सकता है क्या आप कलेक्शन अकाउंट कोई और भी रख सकते हो जहाँ पे इनफ्लो आता है सारा का सारा पचास करोड़ से ऊपर की लिमिट है तो पचास करोड़ से नीचे तो कोई दिक्कत ही नहीं ना आप अप्रूवल करा लेते हो पाँच करोड़ से नीचे तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है तो ये क्वेश्चन हमेशा के लिए आंसर हो गया कि यार जगमोहन कैश मॉडल ना चल नहीं रहा क्योंकि बैंक मना एक ही है बैंक मना कर रहा है अरे कोई बैंक मना नहीं कर रहा उनको उठा के ये आर की गाइडलाइंस दिखा देनी है और ये आर की गाइडलाइंस मैं आपको भी दे देता हूँ ये अभी जब वीडियो की रिकॉर्डिंग आपसे शेयर करूंगा तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा और बाकी जो है मैं आपको उसका लिंक जो है अभी जो मेरे साथ लाइव हैं उनको चैट बॉक्स के अंदर दे देता हूँ तो यहाँ से तो ये रिस्ट्रिक्शन का चक्कर ख़त्म हो गया अब थोड़ा सा आगे और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट समझ लो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर आपने ओवर ड्राफ्ट लिमिट ली हुई है अपनी खुद की एफडी के अगेंस्ट में एफडी करा दिया आपने एफडी के अगेंस्ट में ओडी ले ली तो किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है क्योंकि देखो पैसा तो आपका वैसे ही एफडी के अगेंस्ट में सिक्योर है तो मैं सुजेस्ट करता हूं फ्लो मैनेजमेंट के अंदर मान लीजिए आपको पच्चीस लाख रुपए का रिफंड आ गया तो जैसे रिफंड आता है ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हम उसको पच्चीस लाख को खर्च ही देते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम ईयर मार्क करने के हिसाब से उस पच्चीस लाख की करवा देते हैं एफ एफडी मान लो हो गई आपकी साढ़े पाँच परसेंट पे और उसके अगेंस्ट में खुल जाती है ओवर ड्राफ्ट साढ़े छः परसेंट पे एक परसेंट एक्स्ट्रा लगता है ना साढ़े छः परसेंट के ऊपर भी आपको बिजनेस के लिए पैसा अवेलेबल हो गया एफडी तो फिर भी सिक्योर हो गई आप बिजनेस करके और कमा के एफ को जीरो करी ओ डी को जीरो कर दोगे तो एफ अगेंस्ट ओ वाला सिस्टम भी करना होता है कई मेरे क्लाइंट हैं जहां मैंने सजेस्ट किया हुआ है कि कम से कम एक करोड़ रुपए की एफडी डी करा के उसके अगेंस्ट ओडी करवा लिया करो ये आपका फर्स्ट इमरजेंसी क्रेडिट लाइन कहलाएगा क्योंकि जो आप कैश रिजर्व क्रिएट करते हो तो तो उसके अगेंस्ट पे एफ भी क्रिएट की जा सकती है और उसके अगेंस्ट ओ अकाउंट भी खुलवाया जा सकता है ताकि जो फ्रेश कैश रिजर्व क्रिएट होगा उस ओ के अगेंस्ट में यूटिलाइज होगा तो आपका सर्कुलेशन घूमना शुरू हो जाएगा कम से कम दिमाग में ये तो रहेगा कि मेरे एक करोड़ रुपए का तो मैंने कैश रिजर्व एफ डी करा के सिक्योर कर लिया हाँ बिजनेस एक्सपेंड करना था मशीन खरीदनी थी सप्लायर की और पेमेंट करनी थी इन्वेंटरी को बढ़ाना था तो पैसा आपने यूटिलाइज कर लिया हाउ इट वॉज ईयर मार्क ये बहुत ही अमेजिंग प्लानिंग है कौन सी एफ डी अगेंस्ट ओ डी करने वाली जो लोग इसको यूटिलाइज कर रहे हैं और इसकी पावर को समझते हैं जो लोग इसकी पावर को समझते हैं उन्होंने तो ना जाने कितना ही कितना ही बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया क्योंकि ओडी अगेंस्ट एफडी तो बिजनेस को एक स्केल पे लाने के लिए जरूरी था ताकि बिजनेस हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर सके उसके बाद तो बिजनेस खुद से ही कैश जनरेट करके देता है ना क्योंकि आपके सप्लायर की जो पेमेंट टर्म्स हैं आपकी जो कस्टमर की पेमेंट टर्म्स हैं तो उसके द्वारा ही बिजनेस के अंदर फंडिंग होती है और ओडी अगेंस्ट एफडी एक तरीके से जब ज़मीन में से पानी निकालना था ना तो थोड़ा पानी आपको नलके में हाँ हैंडपम्प में थोड़ा पानी जो डालना पड़ता है और उसके बाद वो पानी निकलता है वो था इनिशियली जो बिज़नेस को पैसे की रिक्वायरमेंट थी वो करने के बाद तो आपके बिजनेस के प्रोडक्ट की डिमांड ही इतनी है लोग तो नाम से आपका माल खरीदते हैं तो फिर तो पैसा तो मार्केट का ही लगेगा ना हाँ ओडी अगेंस्ट एफ एक बड़ा ही पावरफुल टूल है जिसको आप इस्तेमाल करो एक बड़ी मजेदार बात और भी है जब मैं कहता हूं ना कि आपके एक से ज्यादा बैंक्स के अंदर अकाउंट होने चाहिए और अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक में अकाउंट है दो में है तीन में है चार में है तो एक बड़ा प्यारा सा पॉइंट है कि जो डी आई सी जी सी है ना यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है भारत सरकार की गारंटी है वो कहते हैं कि अगर आपका पैसा किसी बैंक में पड़ा हुआ है चाहे करंट अकाउंट में है चाहे सेविंग अकाउंट में है चाहे फिक्स डिपोजिट पे है तो कल को अगर बैंक फेल हो जाता है

अच्छा अगर आपका दो अलग अलग बैंकों में पड़ा हुआ है तो पाँच लाख पहले का पाँच लाख दूसरे का अगर चार बैंकों में पड़ा हुआ है तो पाँच पहला पाँच दूसरा पाँच तीसरा पाँच चौथा तो चार बैंकों की सिक्योरिटी है इसके अलावा अगर देखा जाए तो पीछे याद है बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट यस बैंक में थे और कुछ समय के लिए उनको प्रॉब्लम आ गई थी तो उनके ऊपर एक लिमिट लग गई थी रिस्ट्रिक्शन लग गई थी पैसा भी नहीं निकाल पा रहे थे तो उस समय जिन लोगों के अकाउंट यस बैंक और एच दोनों में थे तो यस बैंक में थोड़ा सा अगर दिक्कत आई भी तो एच से वो आराम से निकल कर कंटिन्यू कर गए तो बिज़नेस में वैसे भी कम से कम दो बैंकों के अंदर तो अकाउंट होने ही चाहिए अगर आपका एक्सपोज़र पाँच करोड़ तक है कोई दिक्कत ही नहीं है पाँच करोड़ से पचास करोड़ तक का है तो बैंक अलाउ कर ही देगा ना और वैसे भी पचास करोड़ तक का एक्सपोज़र अगर आपने लिया हुआ है तो ज़रूर जरूर, जरूर जरूर अब आपने अपने बिजनेस को स्केलेबल के हिसाब से कैश रिच मॉडल में डाल लिया होगा अगर अभी भी पचास पचास करोड़ रुपए की लिमिट लेके भी आपने अपने बिजनेस को स्केलेबल वाले मॉडल में नहीं डाला कैश रिच में नहीं डाला तो क्या कर रहे हो बैंकों का पैसा कितना इस्तेमाल कर लोगे पाँच करोड़ पचास करोड़ पाँच सौ करोड़ पाँच हजार करोड़ मेरे क्लाइंट हैं जिन्होंने तो छः सौ करोड़ तक की लिमिट यूज़ कर ली थी बैंकों की ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस फैला दिया ट्वेंटी नाइन स्टेट के अंदर बिजनेस खोल दिया डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ना जाने क्या क्या बना दिया और बैंकों की सीसी -सी लिमिट बढ़ती जा रही है अच्छा टर्नओवर भी बढ़ती चली जा रही है और टोटल उनका एक्सपोजर सिक्स हंड्रेड करोड़ का हो गया मैं कह ये क्या कर रहे हो घर से ही पैसा डालते रहते हो सारा रिस्क अपने ऊपर है फिर धीरे 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 हमने उनको क्या किया बिल डिस्काउंटिंग के अंदर शिफ्ट किया चैनल फाइनेंस के अंदर शिफ्ट किया अनसिक्योर्ड लोन की तरफ लेकर गए जो कि उनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पर था तो इस कंपनी का खुद का रिस्क मिटिगेशन करके कर दिया जीरो अब उनकी डेप्ट फ्री कंपनी हो गई है कहा छह सौ करोड़ और आज की रेट में डेप्ट फ्री हाँ पैसा किसी का तो लगेगा ना अब पैसा छ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का लगा हुआ है जिसमें चाहे टाटा कैपिटल हो चाहे श्रीराम हो तो चाहे आई सी आई सी आई हो यस yes, बैंक हो अलग अलग लोगों से अलग अलग एरिया जुरिडिक्शन के हिसाब से गुवाहाटी वालों की बिल डिस्काउंटिंग अलग कंपनी से होती है नॉर्थ की अलग से होती है साउथ की अलग से होती है और जिसके साथ पे जैसी पेमेंट टर्म सेट हो गई है हम तो अपना बढ़िया माल बनाते हैं और होल सेल में उसको निकाल देते हैं जिसको सेल करते हैं अब उसको दिया जाता है चैनल फाइनेंस कंपनी के अंदर तो पैसे आ जाते हैं एक्सपोजर ही खत्म तो अब समझना पड़ेगा ये बैंकिंग ना आपके बिजनेस की सुविधा के लिए है आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए है ये बैंकिंग के चक्कर में अपने आप को कहीं फंसा मत लेना लोन पे लोन लोन पे लोन जैसे जैसे आप बिजनेस करोगे ना तो बैंक के मैनेजर आपके वहाँ विजिट करना शुरू कर देंगे पहले आप बैंकों में जाके लाइनों में लगते थे अब बैंक के मैनेजर आपके पास आते हैं कई लोग तो मुझे कहते हैं कि जुगमून यार आज ना मीटिंग नहीं हो सकती आपसे मैंने कहा क्यों अरे आज ना जीएम साहब हमारी फैक्ट्री में विजिट करने के लिए आए हैं बैंक के जीएम खुद चल के आ रहे हैं अरे बैंक के जीएम आपकी मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से आ रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि कहीं आपको समझ ना आ जाए मैं ही जाके आपको जो है खूब सारी लिमिट लोन वोन सारा चिपका के आ जाता हूँ इससे पहले कि आपको अपनी क्रेडिबिलिटी का एहसास हो और सप्लायर आपको उधारी देना शुरू कर दे आपकी लोगों को क्रेडिबिलिटी का एहसास हो और कस्टमर आपको एडवांस देना शुरू कर दे आपको कहीं मार्केट के और फंडामेंटल समझ ना आ जाए इससे पहले ही जी साहब खुद ही आपके आपकी लिमिट दो करोड़ तीन करोड़ पाँच करोड़ बड़े बड़े प्रोजेक्ट फंडिंग सब आके पास करवा जाते हैं रुको ठहरो समझो देखो बिजनेस का एक्सपोजर फाइनेंस की दुनिया में एक लेवल तक चाहिए होता है सिर्फ बैंकों के पैसों के ऊपर ही काम नहीं किया जाता वो सिर्फ एक्सलरेट ग्रोथ को करने के लिए होता है चलिए मेन मुद्दा तो यही था ना कि क्या मैं एक से ज्यादा बैंक अकाउंट खुलवा सकता हूं आंसर इज यस आरबीआई की गाइडलाइंस है हाँ बिल्कुल है तो ये मैंने आज आपको समराइज़ फॉर्म के अंदर बताया तो जो लोग कैश लो कम्युनिटी का पार्ट अभी भी नहीं है तो वो आ जाओ कैश लो कम्युनिटी के लिए मेरा मोबाइल नंबर तो आपको मालूम ही है नाइन एट डबल वन टू सिक्स नाइन सेवन नाइन एट मुझे भी आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो मैं आपको कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और अब मुझे बताओ जो लोग लाइव मेरे साथ में हैं तो बताओ जी कैसा लगा आज का सेशन और इस सेशन के बाद माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज टाइप क्वेश्चन इन दी चैट बॉक्स और एनीथिंग यू वांट टू से जो मेरे साथ आज लाइव हैं तो चलो चर्चा करते हैं मैं भी अब बिल्कुल फ्रेश मूड से ना अमेरिका में आके बैठ गया हूँ और यहाँ दस दिन तक रहूँगा और दस दिन के अंदर ना एक बहुत मेजर क्रिएशन होने वाली है लास्ट जून में आया था तो बात हो गई और अब जो है नवंबर के अंदर वो चीज़ें रियलिस्टिक में आपको दिखनी शुरू हो रही हैं आई एम सुपर एक्साइटेड हेयर तो चलिए तो जो मेरे साथ लाइव हैं, आज संजय नरवाल जी आपसे बात करते हैं गुड मॉर्निंग जगह जी गुड मॉर्निंग संजय जी फैंटास्टिक सेशन थैंक यू वेरी मच फॉर योर एप्रिसिएशन एंड आज हमारे साथ सुरेंद्र नामदेव जी भी हैं रौनक जी भी हैं मृदुल मस्कारा जी भी हैं फॉर थैंक यू मृदुल जी आपके ना बड़ी कंसिस्टेंट पार्टिसिपेशन हो गई है और जिस तरीके से आप uh, आगे बढ़ रहे हो दैट इज रियली इंस्पायरिंग और आज अंसारी साहब भी हैं और के के जी तो हमेशा की तरह होते ही हैं देवदत्त भाटिया जी भी आज हमारे साथ में हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि इंजॉय द ट्रम्प टॉमिक्स प्लीज रिवील योर न्यू थिंग वी इंजॉय सेशन जल्दी रिवील करूंगा के के मेश्वरी जी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी जरा एक जफी डाल के आते हैं जादू की जफी तो कोइंसिडेंटली अभी वो भी बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ओके तो क्वेश्चन है कि डज एक्सपोजर आल्सो इंक्लूड चैनल फाइनेंस लिमिट एंड एनी लोन लाइक कार एटसेक्ट्रा और एनी सी सी ओवर ड्राफ्ट यस एक्सपोजर फ्रॉम ए पर्टिकुलर बैंक इंक्लूड ऑल दीज यस इंक्लूड ऑल दीज एक्सपोजर मीन बैंक से आपने किसी भी फॉर्म्स के अंदर कोई भी लोन अगर आपने लिया हुआ है तो वो उसके अंदर इंक्लूड माना जाता है राइट तो चलिए जी थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर योर लाइव पार्टिसिपेशन टुडे और जो वीडियो देखेंगे वो तो एंजॉय करने ही वाले हैं हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम अब मैं चाहता हूँ अपने नेक्स्ट सेशन के लिए आज तो एफ सी ट्वेंटी वन भी है ना टेन ए एम पे यहाँ के इलेवन थर्टी पे जरा उसकी भी तैयारी कर लें ओके okay जी बाय बाय थैंक यू हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम थैंक यू